मैं मीनू जी जरा आपसे एक दो चीजें पूछ लूं। जो कल साहब से बात कर लेते हैं तो यू हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, आपको अच्छा लगता है, मतलब आप कभी भी बात करिए फौज के लोगों से। एक तो मैं एक साहिल दया जी हैं, वो साहिल दया जी कह रहे हैं क्या राहुल गांधी को लाल किले पर जाने से पहले मालूम नहीं था कि उनकी सीट कहाँ है। बिगेस्ट फेल्योर ऑफ कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वेयर दे आर स्लीपिंग शेमलेसली। मेरे ख्याल में पता भी रहेगा तो राहुल गांधी क्या करेंगे, अगर आपको 5वीं में नहीं 50वीं में बिठाएंगे तो मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी इज ऑफ द टाइप की वो नहीं जाएंगे। ये बाकी लोगों की दिक्कत होती है कि कहाँ बैठे कहाँ ना बैठे। मैं मीनू जी आपसे इसलिए इस बात को पूछ रहा हूँ कि आज मोदी जी ने बहुत ताल ठोक के मार पूरे जोश लगा के उन्होंने कहा कि माताओं बहनों के प्रति अत्याचार और अपराध जो होता है उसकी हम लोगों ने जांच देखी करवाते हैं और सजा मिलती है। उनको ब्रिजमोहन शरण सिंह की याद नहीं आ रही थी क्या? वो जब इतने, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि आप इतने दम के साथ ये सब झूठ कैसे बोल सकते हैं? 98 मिनट के भाषण में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या वक्तव्य है, खास करके माताओं बहनों के प्रति? मैं जरा इस पे आपसे भी समझना चाहूंगा। हाउ, मतलब उनको नहीं याद आया ब्रिजभूषण शरण सिंह? एक दो शब्द बोल देते कि हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, जो हुआ हुआ, अब इनको ठीक करते हैं। जी देखिए, मैं कर्नल फसी है, बस आपसे कहना चाहूंगी, रात वन इंदौरी का एक शेर है, उसकी एक कुछ लाइन है कि सभी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हमेशा यही याद रखिएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग आपने स्टोरी सुनाई अपने लाइफ, आर्मी लाइफ की। धन्यवाद आपका। देखिए, आगे आपने जो राहुल गांधी के बारे में जो बात कही कि आपने 5वीं पंक्ति में बैठाया, देखिए ये एक तरीके से उनका तरीका है राहुल गांधी का अपमान करने का, इनडायरेक्टली। सामने से कुछ नहीं कहा, क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किए, कुछ नहीं किया, लेकिन आपने उनको 5वीं पंक्ति में बैठा दिया, जबकि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पहली पंक्ति में बैठे हुए थे, उनके बाद खिलाड़ी बैठे हुए थे, और उसके बाद राहुल गांधी को बैठाया गया। और देखिए, ये चीज राहुल गांधी के साथ पहली बार नहीं हुई है। आनंद वर्धन जी ने, अगर अगर आपको ध्यान हो, 2018 के गणतंत्र दिवस परेड में, उस वक्त राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, विपक्षी दल के अध्यक्ष थे, सबसे बड़े विपक्षी दल के अध्यक्ष थे, सबसे पुराने राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष थे, और उनको कम से कम 8वीं 10वीं पायदा रो में बैठाया गया था, और वो उचक उचक के वो देख रहे थे परेड को। उस वक्त तो गुलाम नबी आजाद भी उनके साथ थे। वो फोटो मेरे पास आज भी है, मैंने उसको अपनी टाइमलाइन पे फेसबुक पे लगाया था, ट्विटर पे भी लगाया था कि कब, कई समय से। लेकिन उसके बाद आज जो है, आज राहुल गांधी ऑफिशियली एक विपक्ष के नेता है, जिसका कि कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है विपक्ष का नेता संसद में, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है। लेकिन आपने इतनी भी जहमत नहीं समझी कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर में बैठाएं। अभी मैं एक ट्विटर पे, एक्स पे एक फोटो देख रही थी, एक किसी व्यक्ति ने पोस्ट किया, बड़ा माकूल, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि रेलेवेंट, बिल्कुल टाइम के लिए जरूरी फोटो था। उसमें बताया गया कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने एक फोटो लगाई एक ऐसे ही गणतंत्र दिवस के, सॉरी स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन की, उसमें अरुण जेटली और लाल कृष्ण आडवाणी कांग्रेस के और अन्य मिनिस्टर्स के साथ फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा इस तरह की कर्टसी, जिसको कहते हैं शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार निभाया। और ये, लेकिन ये इस तरीके की, मैं इसको सरासर बदतमीजियां कहूंगी, इनको मजा आता है ये बदतमीजियां करने में। और ये भी बताता है कि आपको, आई एम सॉरी टू से, तहजीब नहीं है कि आपने, आप कर क्या रहे, जिस व्यक्ति को आपने बुलाया है और जो आपके विपक्ष का नेता है, नंबर दो शैडो प्राइम मिनिस्टर है वो, आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है, आपने क्या क्या ले लिया? जो वो कहते हैं ना, का रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात, मतलब भृगु ने मार भी दी लात, तो हरि तो हरि ही है, हरि रहा, उसके बाद भी हरि ही रहे। तो जो ग्रेटनेस है उसमें राहुल गांधी ने तो आराम से वहां बैठे रहे, ऐसा भी नहीं जो आपके अभी दर्शक ने बोला कि उनको क्या पता नहीं था, ये नहीं था। देखिए, अगर माले पता होता और राहुल गांधी ना जाते तो भी मुश्किल थी कि गए नहीं, राहुल गांधी गए नहीं, फिर देखते आप क्या कोहराम इस देश का, आकाश पाताल एक हो जाता। तो इनका तो ये है कि इन्होंने विपक्ष को कभी भी अपना ऐसा नहीं समझा कि दुश्मन समझा,
मोदी के जमाने से जो हो, जो ये भारतीय जनता पार्टी आई है उसमें दुश्मन समझा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करते हैं। अब तो चलिए क्योंकि इनकी मजबूरी थी एलओपी का दर्जा देना राहुल गांधी को, लेकिन जब तक 55 सीटें थी या 52 सीटें थी या 40 सीट थी कांग्रेस की, इन्होंने मतलब आउट ऑफ गुडविल जेस्चर ही कह सकते हैं आप कि आप विपक्ष नेता का पद दे सकते थे उनको, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इसलिए वो इन्हीं कारणों से जिस वजह से उन राहुल गांधी को आज पांचवी पंक्ति में बैठाया गया है। तो ये इनका इनकी जो अशिष्टता और बदतमीजियां जो है वो उसका पूरा पूरा मुजाहरा इन्होंने आज किया है, और उन्होंने जो किया हो सो किया हो, इस वजह से राहुल गांधी फिर सुर्खियों में आ गए। आप सब लोग उसी की बात कर रहे हैं। अब आप जाए आ जाइए महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आज महिला सुरक्षा की बात आज जरा उनको इसलिए भी याद आ गई कि आज क्योंकि ताजा ताजा बंगाल में एपिसोड होके चुका है, तो इस बहाने से कि बंगाल का जो एपिसोड है, जो घटनाक्रम हुआ है वहां पे, उसको हाईलाइट किया जाए ताकि मैं बोलूं उसके ऊपर तो हाईलाइट होगी। लेकिन यही प्रधानमंत्री, इनको मणिपुर पे ध्यान नहीं आती महिला सुरक्षा, ऐसा ही विभत्स कांड मणिपुर में भी होके चुका है, आज तक जवान नहीं खुली है ढंग से। अगर लोकसभा में खुली भी थी तो जबरदस्ती खुलवाई गई थी, वो भी उन्होंने 2 मिनट के लिए खोली। कभी इनका महिला पहलवानों पे बोले हो आज तक? आज तक 32 बानों के केस पे जो बलात्कारियों को छोड़ दिया था उसके बारे में बोले हो? ट्विटर सोशल मीडिया के ऊपर आईटी सेल ने बुल्ली सुल्ली डील करके मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल महिलाएं हैं इस देश की, उनकी बोली लगाई थी, किसी ने उसको रुकवाने की कोशिश की, चाहती सरकार उसको डिलीट करवा देती सारा जितना भी वो चल रहा था, लेकिन नहीं करवाया। आप हाथरस एक किस्सा, कठुआ, हाथरस, उन्नाव, कहां 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 हम आपको गिनवाएं? मोदी जी कभी आए हो? उल्टे महिलाओं के प्रति इनका क्या रवैया है? आप जो कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, शूर्पणखा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं विपक्ष की महिलाओं को, तो ऐसे व्यक्ति से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? ये साफ साफ बिल्कुल नौटंकी, बिल्कुल घड़ियाली आंसू महिला सुरक्षा के बारे में। आप अगर इतनी महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो आपने मणिपुर में गए क्यों नहीं? आपने महिला पहलवानों की सुरक्षा के ऊपर कुछ बोला? आप उस व्यक्ति को हटा तक नहीं पाए, आप इतना डरे बैठे रहे। तो महिला सुरक्षा की बात करना इनका और सब दिखावा, सब नाटकबाजी, नौटंकी, क्योंकि उसके बगैर क्या होता है, प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि आप बोलिए आप बोलिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो ये लगेगा कि देखिए ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन्होंने दिया था उसमें कोई किसी तरह का कोई हमें तो नजर नहीं आता है। 2014 में भी वो स्थिति चल रही थी और 2024 आ गया है, आज भी उसी तरह के कांड हो रहे हैं। ये नहीं हम कह रहे हैं कि बंगाल में जो हुआ है उसी की किसी भी तरीके से हम उसके पक्ष में खड़े हैं, हम बिल्कुल विरोध में खड़े हैं और महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें एक चीज जिसकी बात आनंद वर्धन जी आला, हालांकि आपने मेरे से वो सवाल नहीं पूछा है लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगी, मेडिकल फ्रेटर्निटी के बारे में। देखिये हम जो भी जो और बातें सब अलग है, लेकिन जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल में, इनको ये जो 36 घंटे और कहीं कहीं 48 घंटे 50-50 घंटे तक इनकी ड्यूटी लगती है और उसमें सीनियर्स का बड़ा रोल होता है, बहुत परेशान करते हैं वो इन जूनियर जो कि ट्रेन जिनकी की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं होते हैं जो स्टूडेंट्स, परेशान करते हैं। इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी है, उस लड़की के साथ जो डॉक्टर जो अंडर ट्रेनिंग जो पीजी थी कर रही थी, उसके 50 घंटे की 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आपके शरीर में रेजिस्टेंस करने की भी ताकत नहीं रह जाती। मान लिया वो लड़की अगर रेजिस्टेंस भी देना चाहती, भागना या कुछ भी करना, कोई फर्नीचर उठा के मारती या कुछ भी करती, वो कुछ भी मतलब इतनी थकी हुई होगी, पस्त होगा उसका बिल्कुल एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो होगा। तो इस सरकार इस तरफ भी ध्यान दे, अगर वाकई में आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इस तरीके के इस एंगल से भी उस पर ध्यान दे। आप केवल यौन हिंसा के एंगल से ध्यान ना दें, उसमें ये भी एक एम्पावर करना होगा कि आप इन जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सबके लिए एक एक लिमिट होनी चाहिए वर्किंग आवर्स की। ये मेरा कहना था जी।